एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रेड 4 मैथ्स चैप्टर 6 माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार वर्मा. नाउ इन दिस चैप्टर मल्टीप्लीकेशंस यू इन प्रीवियस क्लास यू हैव टू स्टडी, बट इन दिस क्लास वी हैव टू लर्न अबाउट मोर थिंग्स अबाउट मल्टीप्लीकेशन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. As you know that multiplication, what is multiplication? Any number, if we multiply by something number or any natural numbers, that is multiply. जैसे जैसे मैं 25 into 2 लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 50. ये दोनों नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका 50 हो गया. ये मल्टीप्लाई का साइन है ना. इसे जो है हम लोग कहेंगे मल्टीप्लीकेंड कहेंगे. ये हमारा मल्टीप्लीकेंड होता है 25, ठीक है. ये जो है 25 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, ठीक है. ये हमारा मल्टीप्लायर होता है. एंड फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है. ये हमारा 50 प्रोडक्ट हो गया. तो ये आप लोग यू हैव अंडरस्टूड दैट ये 25 जो है हम लोग इसे मल्टीप्लीकेंट कहते हैं, और 25 में जिस चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टीप्लाई. एंड द फाइनल रिजल्ट और आंसर विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट. नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन? सबसे फर्स्ट आता है आपका ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है. इस ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी अगर हम टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स अगर हम लोग लेते हैं और उसके ऑर्डर्स को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं होता है. डज नॉट चेंजेस एनी इट्स रिजल्ट. जैसे 2 × 5 करता हूँ या 5 × 2 करूँ, ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, ठीक है. तो ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहलाता है कि अगर इसके ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज कर देंगे तब भी जो है इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ सकता है, ठीक है. नाउ सेकेंड है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ठीक है. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में हम लोग इसे ग्रुप में ले लेते हैं, मोर देन 3 नंबर्स को जो है हम लोग यूज़ कर लेते हैं. जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 × और ब्रैकेट में ले लेता हूँ 6 × 3, ठीक है. अब मैं इसके ग्रुपिंग को मैं चेंज कर दूँ, ठीक है. अब इस साइड में 5 × 6 में ले लूँ ब्रैकेट में और 3 में बाहर कर लूँ, ठीक है. तो यहाँ देखिए 5 × 6, 6 × 3 = 18 हो गया, ठीक है. और यहाँ पे आपका 5 × 6 = 30 and 3, तो ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, 90 हो रहा है. 33 से 90, एंड यहाँ भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 90. मीन्स इस ग्रुपिंग प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग अगर इसके ग्रुपिंग्स को चेंज कर दें, ग्रुप को चेंज कर दें, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो होगा एज इट इज ही रहेगा दोनों साइड, ठीक है. तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज़. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कहेंगे, या तो फिर मल्टीप्लीकेशंस और एडिशंस के थ्रू. जैसे मैं ये प्रॉपर्टीज़ में ये है इनटू यहाँ पे आपका ब्रैकेट में b+c है, ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a × b हो गया प्लस फिर a × c ना, तो ये हमारा जो है a × c, ठीक है, a × c, तो ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसके एक एग्जांपल से लेता हूँ, ठीक है. 2 × 5 + 2, ठीक है. इसे आपको जो है इस क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में. व्हाट वी डू, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 ऐसे लिख देंगे, 2 × 5 प्लस है प्लस फिर 2 × 2, तो ये आपका क्या गया, 2 × 5 = 10 प्लस 2 × 2 = 4, दैट इज़ 14. तो ये जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है. तो इस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम लोग ऐसे सॉल्व कर देते हैं. ये इसका जो होता है ये इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है. नाउ नंबर 4,
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, इसका में क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन? एज यू नो दैट कोई भी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो इट सेल्फ ही नंबर आएगा, वो इट सेल्फ नंबर आएगा, एनी नंबर ना। तो जैसे मैं अगर सेवन ले लूँ, सेवन को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेवन एज इट इज नंबर आएगा, सेल्फ नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर आगे मैं सपोज दैट वी मल्टीप्लाई 15 इंटू वन दैट इज 15, 250 इंटू वन दैट इज 215, मीन्स कोई भी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज नंबर, इट सेल्फ नंबर होगा। नाउ नंबर फाइव, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। एज यू नो दैट कोई भी नंबर को अगर एनी नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, कोई भी नंबर को अगर हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो होगा, चाहे वो स्मॉलेस्ट नंबर हो या फिर ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं टू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ ज़ीरो आएगा, ठीक है, और 17 को अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो भी ज़ीरो आएगा। लार्ज नंबर मैं ले लेता हूँ 256, इसे अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी जो है ज़ीरो, मीन्स इसका ये प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। नाउ वी नेक्स्ट टू गो थ्रू एक्सरसाइज, वी सी सम क्वेश्चंस। मल्टीप्लीकेशन बाई 10, 100 एंड 1000, कोई भी नंबर को जब हम लोग 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 5, 2, 6, इसे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमको आगे लॉन्ग प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये नंबर को एज इट इज़ लिख दीजिए 5 to 6, आगे में यहाँ पे ये 10 से मल्टीप्लाइड है मीन्स 10 है, तो इसके राइट साइड में एक आप ज़ीरो डाल दीजिए, ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। सपोज दैट मैं इसी नंबर को 5 to 6 इंटू अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लॉन्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 to 6 को एज इट इज़ लिख दीजिए, यहाँ पे 20 है, 100 में 20 है, ठीक है, तो इसके राइट साइड में 20 आप ऐड कर दीजिए, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। सपोज दैट मैं अगर इसे इसी नंबर को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये 5 to 6, यहाँ पे 1000 में 30, तो आपको राइट साइड में 30 पुट कर देना, ठीक है, तो ये इसका आपका प्रॉपर्टी हो गया। मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 100 और 1000 से करेंगे तो आपको जो है ईजिली आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 6, इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन गिवन यू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इस ए नंबर में क्या है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरने की क्या फॉर्म आएगा। यहाँ पे देखिए 3546 दिया हुआ, इंटू में क्या आपको फिलअप करना है कि यहाँ पे जो है 54 इंटू 3546 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 3546 है, यहाँ भी 3546 है, दोनों तरफ इक्वल करना है तो क्या इंटू करना पड़ेगा, तो 54, क्योंकि यहाँ पे ये 54 से इंटू है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना 54 से इंटू करना पड़ेगा। इसके पहले मैंने ऑर्डर प्रॉपर्टी में मैंने बता चुका है, ठीक है, कि अगर इसके प्लेस को चेंज कर दूं, ऑर्डर को चेंज कर दूं तो कोई चेंजेस नहीं आता रिजल्ट में, तो यहाँ पे 3546 के साथ 54 इंटू और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज कर दिया ऑर्डर को तो 54 इंटू 35, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। नाउ सी नंबर 5839 है, इसे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, है ना, मल्टीप्लायर में क्या दूँ मैं कि 5839 आ जाए, ठीक है, तो आप देखिए 5839 है, 5839 है, एज इट इज़ नंबर है, इट सेल्फ नंबर है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया कि अगर कोई भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाइड करूँ तो इट सेल्फ नंबर आता है, तो वी पुट हियर 1। नाउ डे नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, 5248 है, आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 0 आ जाए, ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ज़ीरो में कि कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 आता है ना, एवरी नंबर कोई भी नंबर, ठीक है, एनी लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर, तो यहां से मैं क्या लूँगा 0, तो 0 मैंने यहां पे फिलअप किया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स के हैं फर्स्ट क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चंस में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए गए, देखिए यहाँ पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 100 से करना है, इसमें आपको 1000 से किया हुआ, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे 235
यहाँ पे एक्स 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स जीरो है तो यहाँ पे हम लोग एक्स जीरो पुट करेंगे राइट साइड में, ठीक है। 9482 है, यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9482, यहाँ पे दो जीरो है तो यहाँ पे हम लोग 20 राइट साइड में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको सिंपल से 729 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 729 और यहाँ पे 30 पुट करेंगे, ठीक है, राइट साइड में। तो ये आपका मल्टीप्लाइड हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो दिया गया है, आपको मल्टीप्लाई करना है 458 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपको जो है 440 में आपको 0, आप 0 को अभी भूल जाइए, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 458 को 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 48 जा 32, 2 3 इन हैंड, ठीक है। तो 45 जा 20 प्लस 3 23, 3 हो गया 2 इन हैंड, 44 जा 16 एंड 2 18, तो 1832 आ गया, 1832। मैंने सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में जितना जीरो है आप उतना पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप जो है सिंपल वे से आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ रेस्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स आई गिव यू, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 गिवन यू वर्ड प्रॉब्लम्स। द कॉस्ट ऑफ ए बाईसाइकिल इज ₹3595, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 बाईसाइकिल्स, ठीक है। आपको एक बाईसाइकिल्स का कॉस्ट दिया गया है 3595, आपको कॉस्ट निकालने हैं 18 बाईसाइकिल्स का। नाउ सॉल्यूशन करेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन बाईसाइकिल इज ₹3595। नाउ देन द कॉस्ट ऑफ 18 बाईसाइकिल्स, आपको वन बाईसाइकिल्स का कॉस्ट दिया गया है, आपको 18 बाईसाइकिल्स का कॉस्ट निकालना है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 64,710 रुपीस, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट, कितना 18 बाईसाइकिल्स का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में आपको जो है वर्ड में लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको इस वर्ड फॉर्म को आपको जो है न्यूमरल में चेंज करना है, ठीक है, और चेंज करने के बाद आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 547 को मैंने न्यूमरल फॉर्म में लिख लिया, बाय मल्टीप्लाई 43 को लिख लेना है, ठीक है। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23521, है ना, 23,521। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट, एंड नेक्स्ट थिंग्स और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू। थैंक यू।